हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के चैनल विश्वकर्मा रियल इस्टेट में आपका स्वागत है। मैं विमल बहल आज आपको एक और प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दूंगा। न्यू चंडीगढ़ के बेहतरीन प्रोजेक्ट, जैसे कि आपने नाम सुना होगा ओमैक्स फेस वन, जौन सा कि यहाँ की टाउनशिप की बात की जाए बहुत अच्छी टाउनशिप गेटेड सोसाइटी बनी हुई है। यहाँ पे जौन से फ्लोर्स है S+4 ओमैक्स गार्डनिया के न्यू लॉन्च हो रखे हैं। अगर आप इसके ऊपर मैं आपको मैं लेकर के चलता हूँ लाइव साइट विजिट पर। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए एक्चुअल साइट पे, जहाँ पे इन्होंने अपना सैंपल फ्लैट बनाया हुआ है और इस फ्लैट के बारे में और ओमैक्स के बारे में जौन सी जानकारी देंगे ओमैक्स के एम्प्लॉई दुष्यंत प्रेशर जी। तो आपको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ दुष्यंत जी से। सो हाय सर। हेलो, हाय हाय फैमिली, कैसे हैं? सो अभी हम पहुँच चुके हैं ओमैक्स के फेस वन में। सो फेस वन हमारा सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसी फेस के अंदर हमने कुछ नए यूनिट्स लॉन्च किए हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा हुआ है गार्डेनिया। सो गार्डेनिया एक हमारा न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है। सो S+4 की कंस्ट्रक्शन में है विद लिफ्ट अपार्टमेंट्स है। और गाइस, अगर आपको मैं बताऊं, सो इसमें हमने आपको ऑलमोस्ट पूरी एमिनिटीज दी हुई है। सो फुली फर्निश्ड है, काइंड ऑफ फुली फर्निश्ड है, जिसमें आप सिर्फ अपना मूवेबल फर्नीचर कैरी करते हैं। मेनली जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं वो आप कैरी नहीं करेंगे, वो कंपनी आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करेगी। सो जिस लोकेशन पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे हमने अपना सैंपल यूनिट बनाया हुआ है। सो पहले कंपनी जो कंस्ट्रक्शन करती थी वो S+3 की कंस्ट्रक्शन करती थी, तो अब हमने अपनी जो कंस्ट्रक्शन है वो अपग्रेड करी है, अब हम S+4 की कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये S+3 की कंस्ट्रक्शन है, नीचे हमने स्टिल पार्किंग दी हुई है, दो गाड़ियों की पार्किंग है प्रॉपरली। सो उसके बाद आपका अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। सो इसमें जो एड ऑन हुआ है वो सिर्फ एक फ्लोर और ऐड हो चुका है। सो जिसे हम S+4 के नाम से कहते हैं, जिसे हम S+4 बोलते हैं। सो आइए मैं आपको अपने सैंपल फ्लैट पे लेके चलता हूँ। सो आइए प्लीज फॉलो कीजिए। सो गाइस, ये कंपनी का प्रॉपर एक आपका एंट्रेंस एरिया है, ये एकदम कॉमन एरिया है जिसमें आपको हमने कॉम्प्लीमेंट्री आपको एक स्पेस दिया हुआ है। सो ये विद लिफ्ट अपार्टमेंट्स हैं। सो लिफ्ट आप देख सकते हैं, प्रॉपर वाइडर स्टेयर्स हैं सर यहाँ के ऊपर, सो जो कि दोनों टावर के साथ कनेक्टेड है। सो आइए प्लीज आपको सैंपल करते हैं। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने सैंपल यूनिट की तरफ। सो सैंपल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस आउटर एरिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो एंटर करते सबसे पहले आप ये कॉमन स्पेस देखते हैं। सो कॉमन स्पेस हमने दोनों फैमिलीज के लिए दिया हुआ है कि घर में छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अगर कोई साइकिल वगैरह रखनी है या घर की जो लेडीज है, सो उन्होंने अपना कुछ वेस्ट अगर सामान कुछ रखना है तो वो उसके लिए यूज किया जा सकता है। सो सेकेंडली सर, आप देख सकते हैं लिफ्ट विद लिफ्ट अपार्टमेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सो आइए आपको सैंपल की तरफ लेकर चलते हैं। सो सैंपल में एंटर करने से पहले सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, प्रॉपर एकदम वाइडर एंट्रेंस है इसकी, वाइडर रूट्स है। सो एंटर करते ही सबसे पहले आप देखें ड्राइंग डाइनिंग एरिया। सो ह्यूज एकदम स्पेशियस ड्राइंग डाइनिंग एरिया रहेगा। सो इन इंडिपेंडेंट यूनिट्स की जो खासियत होती है वो ये होती है कि ये दोनों साइड से ओपन होते हैं, फ्रंट में भी बैल्कनी मिलती है आपको, रियर में भी बैल्कनी मिलती है। सो एंटर करने के बाद ड्राइंग डाइनिंग एरिया के बाद आपको बैल्कनी अगर आप देखना चाहें, सो बैल्कनी आप देख सकते हैं, प्रॉपर वाइडर बैल्कनी चाहिए। सो बैल्कनी में आप गार्डनिंग करिए, आप अपना सिटिंग स्पेस बनाइए यहाँ पे। सो प्रॉपरली आप अपने इस बैल्कनी को यूज एकदम आप यूज कर सकते हैं। सो जो बैल्कनी के साथ जो आपको ये विंडो दी हुई है, ये फुल वॉल विंडो है, प्रॉपर UPVC विंडोज है, टफन ग्लास है और साउंड प्रूफ है। सो आइए गाइस, आपको घर का एक टूर कराते हैं अंदर का। सो ड्राइंग रूम के साथ हमने आपको एक फर्स्ट बेडरूम दिया है। सो देखिए आप, स्पेशियस बेडरूम है। सो इस बेडरूम में भी वेंटिलेशन रहे, क्रॉस वेंटिलेशन रहे, तो इसमें भी हमने आपको प्रॉपर एक वाइडर विंडो दी हुई है, फुल वॉल विंडो है ये। सो ये बैल्कनी के साथ भी कनेक्टेड है, आप फिर ड्राइंग रूम के साथ ये बैल्कनी कनेक्टेड है। सो इस वॉशरूम, इस रूम के वॉशरूम को भी हमने साथ में अटैच किया है। सो इसी वॉशरूम को हमने कॉमन भी कर दिया है कि अगर आपके घर में गेस्ट है, सो अगर वो वॉशरूम यूज करना चाहते हैं तो वो रूम में एंटर नहीं करेंगे, सो डायरेक्ट बाहर से ही वॉशरूम का यूज करके एग्जिट ले लेंगे। सो देख सकते हैं, सो ये हमने उनको एंट्रेंस दी, सो वॉशरूम। सो सेकेंडली साथ में आप देख सकते हैं प्रॉपर फैमिली लाउंज बनाया हुआ है कि आप अपनी फैमिलीज के साथ बैठिए, अपना टाइम स्पेंड किए करिए। सो सेंटर में हमने किचन दिया हुआ है। सो किचन हम आपको प्रॉपर कंप्लीट किचन देते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इटालियन किचन है और मार्बल भी इसके ऊपर इटालियन लगा हुआ है। सो किचन से भी हमने आपको एक रियर बैल्कनी में जाने के लिए रास्ता दिया हुआ है। सो अगर घर में लेडीज हैं तो वो अगर किचन में भी काम करें और साथ में अपने वॉशिंग एरिया का भी ध्यान रहे। सो जैसे कि आपने किचन को देखा, किचन के साथ आइए आपको हम सेकंड बेडरूम में लेके चलते हैं। सो ये है सेकंड बेडरूम। सो प्रॉपर स्पेशियस रूम है।
सो जिसके साथ वॉशरूम अटैच है। सो वॉशरूम आप देख सकते हैं, सो वॉशरूम में मैं आपको एक अच्छा स्पेस दिया हुआ है। सो साथ में इस रूम में भी वेंटिलेशन रहे, सनलाइट रहे, सो यहाँ पे भी हमने आपको फुल वॉल विंडो दी हुई है। सो ये भी सेम स्लाइडर डोर्स हैं, टफन ग्लास हैं और UPVC विंडोज हैं, और इस रूम से हमने पीछे वाली बैल्कनी भी कनेक्ट करके रखी है ताकि आप बैल्कनी में डायरेक्ट जा सकें। सो आइए आपको अब जो हमारा मास्टर रूम, जो मेन रूम है वो दिखाते हैं। सो गाइस, सो ये है हमारा मेन रूम जो जिसे हम कहते हैं मास्टर रूम। सो मास्टर रूम प्रॉपर आप देख सकते हैं मेंटेन है, स्पेशियस है, वुडन फ्लोरिंग है। सो इस रूम के साथ भी आपका जो वॉशरूम है वो अटैच है। सो यहाँ पे भी आपको एकदम स्पेशियस जो है वो वॉशरूम मिलेगा। इस रूम में भी आपको प्रॉपर सनलाइट रहे, वेंटिलेशन रहे। सो इसमें भी हमने आपको प्रॉपर स्लाइडर डोर दिया हुआ है UPVC विंडोज के साथ। सो ये रूम भी आपका बैल्कनी के साथ कनेक्टेड। सो अभी आपने जो देखा वो हमारा सैंपल यूनिट था। सो यूनिट आपने देखा, ये प्रॉपर हमने एकदम मेंटेन किया हुआ है, प्रॉपर एकदम लग्जरी हमने इसको बनाया हुआ है। सो इस प्रोजेक्ट आपको अगर मैं पूछना चाहूँ अपने विमल जी से, सो विमल जी आपको कैसे लगा ये? बहुत अच्छा सैंपल फ्लैट बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन भी किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस यूनिट में इन्वेस्टमेंट या रहने के लिए देख रहे हैं, ये PR 7 रोड के बिल्कुल ही साथ में का प्रोजेक्ट है, OMX Phase 1। अगर आपको इस फ्लैट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो, आप नीचे दिए हुए स्क्रीन पे फोन कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।